हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल ही नए कोर्स के साथ, जिसका नाम है ब्लेंडर 3D बिगनर्स टू एडवांस। तो बेसिकली इस कोर्स में आप कवर करेंगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, जो एक 3D सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप ग्रेट एनिमेशंस एंड गेम्स डेवलपमेंट के लिए आप 3D मॉडल्स कैसे बनाने हैं तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। और बहुत ही सिर्फ इतना ही स्कोप नहीं है, इससे ज्यादा भी आप ब्लेंडर में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा मेन सॉफ्टवेयर है यानी ब्लेंडर, उस पर वर्क करने से पहले हम चाहेंगे कि जो हमारा बेस है यानी 3D, उसे उसके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करें। और 3D वर्क कैसे करता है हमारे सॉफ्टवेयर्स में, 3D सॉफ्टवेयर्स में, उसे थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक्स के साथ, यानी व्हाट आर डायमेंशन। डायमेंशंस आर द वे वी सी, मेजर एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। डायमेंशन आप कह सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे वर्ल्ड में, और उसका कोई मेजरमेंट या कोई उसकी स्पेसिफिकेशन या कोई भी उसकी प्रॉपर्टीज, उसे डिटरमाइन करके हम बताते हैं कि उसकी क्या डायमेंशंस है। ठीक है, द टर्म डायमेंशन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेजरिंग एंड डिटरमाइन द वेक्टर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारा रियल वर्ल्ड है, या रियल वर्ल्ड में ले लीजिए या वेक्टर वर्ल्ड में ले लीजिए, जो हमारे 3D सॉफ्टवेयर में यूज होता है, यानी या तो 3DSmax हो या ब्लेंडर हो या माया हो, तो उस सारे वर्क करते हैं वेक्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। यानी उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका एक वेक्टर पोजीशन डिटरमाइन कर दी जाती है। वेक्टर पोजीशनिंग होती क्या है, वो हम आगे जब सॉफ्टवेयर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, यानी ब्लेंडर पे जब वर्क करना स्टार्ट करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ डायमेंशन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो अब जो हमारे डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशंस वर्क करते हैं हमारे बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर में, 3D सॉफ्टवेयर में, वो उसके बारे में क्लियर करेंगे। नल डायमेंशन विदाउट एनी फिजिकल मेजरमेंट। जो हमारा नल डायमेंशन होता है, यानी आप कैसे नल डायमेंशन को आप कह सकते हैं एक सिंगुलर पॉइंट। बेसिकली ब्लेंडर में होते दो तीन तरह के सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं, यानी एक वर्टेक्स हो गया और एक एम्प्टी हो गया, और भी है। ठीक है, तो उसकी क्या होता है कि उसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, एक प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी लेंथ नहीं होता या लेंथ बाय ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट होता है और एक उसका एक वेक्टर पोजिशन होता है। ठीक है, वेक्टर पोजिशन कुछ भी हो सकता है, और आप कुछ भी रख सकते हो उसके वेक्टर पोजीशन को उस 3D वर्ल्ड स्पेस के अंदर। फिर आ जाता है फर्स्ट डायमेंशन। द फर्स्ट डायमेंशन इज अ लाइन कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स, इट हैज नो विड्थ और डेप्थ, ओनली लेंथ। अब जब टू पॉइंट्स, यानी टू पॉइंट्स, और ब्लेंडर में कह सकते हैं टू वर्टेक्स, एक 3D वर्क स्पेस में होते हैं और वो कनेक्ट करते हैं आपस में, तो हमें मिलती है एक लाइन। उसकी एक लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, जो बीच में डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो वो उसकी लेंथ होगी बेसिकली। फिर आ जाते हैं सेकंड डायमेंशन में। द सेकंड डायमेंशन हैज बोथ लेंथ एंड विड्थ। अब आप कह सकते हैं एक प्लेन ले सकते हैं, उसकी एक लेंथ भी है, एक ब्रेथ भी है। जब हमारे दो पॉइंट्स ज्वाइन हुए थे तब हमें मिली थी एक लेंथ। अब हमारे पास मिनिमम तीन पॉइंट चाहिए होते हैं एक प्लेन को बनाने के लिए। यानी सबसे पहले बेसिक शेप होती है एक ट्रायंगल, जिसमें आप तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक प्लेन कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू वर्क स्पेस। ठीक है, फिर आ जाते हैं थर्ड डायमेंशन में। थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैज लेंथ विड्थ एंड हाइट। जब हम 3D की बात करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पॉलीगोनल हो, तो उसकी एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट भी होती है। ठीक है, तो वो अब ये जो हमारे पास तीन डायमेंशंस हैं, वो बेसिकली इतने ही होते हैं, उससे ज्यादा कोई फोर्थ डायमेंशन यानी टाइम पे वर्क नहीं करते। जब हम एनिमेशन पे काम करते हैं तब भी वो 3D ही रहता है बेसिकली, क्योंकि हम फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कर रहे हैं, एक एक फ्रेम में
एक 3D इमेज पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में बात करेंगे जब हम ब्लेंडर में और ब्लेंडर को डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज थर्ड डायमेंशन? ब्रीफ में द थ्री डायमेंशनल स्पेस इज अ जियोमेट्रिकल सेटिंग इन विच थ्री वैल्यूज कॉल्ड पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। द पैरामीटर्स मोस्टली आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जैसे मैं वेक्टर मैथमेटिक्स के में बात कर रहा था कि एक जो पॉइंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक वेक्टर पोजीशन है, उसका एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या पॉइंट बैठता है, वाई एक्सिस में क्या बैठता है और जेड एक्सिस में क्या होता है, वो बेसिकली डिटरमाइन होगा इन 3D वर्कस्पेस के अंदर, ठीक है। और सेम ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है आपके 3D सॉफ्टवेयर में, ठीक है। What is 3D polygonals? अब आते हैं हम basically अपने softwares, software जो हमारा 3D है, 3D blender है, उसमें कैसे work करता है, ठीक है। Polygonals are straight sided shapes, three or more sides defined by three dimensional points, vertices, यानी अगर एक vertex, एक point है तो एक vertex कहेंगे उसे, और एक से ज्यादा है उसे कहेंगे हम vertices, ठीक है। एंड द स्ट्रेट लाइन डेट कनेक्ट देम एजेस, जो हमारी दो वर्टेक्स हैं जब वो ज्वाइन करते हैं तो हमें एक एज मिलती है, ठीक है। द इंटीरियर रीजन ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द फेस। जब हम हमारे पास चार एजेस या मिनिमम तीन एज ज्वाइन करते हैं तो हमें एक फेस मिलता है, ठीक है। वर्टिसेस, वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स आप इस जो हमारे पास एक तरह की एक इमेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम हमें चाहिए वर्टिसेस हमारे पास तीन है, तीन को ज्वाइन करने के बाद हमें तीन एजेस मिल रही हैं और एक फेस मिल रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं फोर साइडेड पॉलीगॉन्स पे, जिन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, यानी और सिंपल भाषा में जो ब्लेंडर ब्लेंडर यूजर्स वर्क करते हैं वो होते हैं क्वाड्स, ठीक है। फोर साइडेड तो उसमें हमारे पास चार एजेस और चार चार वर्टिसेस होगी और एक फेस हो गया, ठीक है। फिर फाइव साइडेड और आगे जाके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो पॉलीगोनल मॉडल्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेपरेट पॉलीगॉन्स कंबाइंड इन अ पॉलीगॉन मैश, ठीक है। तो पॉलीगॉन मैश और बेसिकली मैश क्या होता है हम जब ब्लेंडर पे वर्क करेंगे उसमें और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ ह्यूमन परसीव 3D। अब आ जाते हैं हम जो ह्यूमंस हैं हम अपने 3D एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं, क्योंकि जो हमारी आईज हैं एक आई एक इमेज ले रही है और एक आई एक इमेज ले रही है, तो वो कैसे प्रिस्क्राइब करती है अपने 3D एनवायरनमेंट को, परसीव करती है अपने 3D एनवायरनमेंट को, उसके बारे में जानते हैं। आर फिजिकल एनवायरनमेंट इज 3D एंड वी मूव अराउंड इन 3D एवरी डे। Humans can see in 3D or perceive the 3D relationship between objects just by looking at them. Humans, because 3D human perception also known as depth perception. अब आप कह सकते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ या आप देख रहे हो, तो एक आंख से आप एक इमेज ले रहे हो, एक आंख से आप एक इमेज ले रहे हो, लेकिन उनमें एक पॉइंट ऑफ व्यू का अंतर है, ठीक है। तो आपका ब्रेन क्या कर रहा है, उन दोनों इमेजेस को मर्ज करके आपके ब्रेन को मतलब एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो या कोई भी आप 3D वर्ल्ड जो आपका वर्ल्ड है एनवायरनमेंट है उसे आप जो देख रहे हो वो एक 3D एनवायरनमेंट है बाय मिक्सिंग अप टू इमेजेस। यही जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका जो VR टेक्नोलॉजी है उसमें यूज होती है, क्योंकि वो आपके जो माइंड आईज को दो तरह की इमेजेस देती है, एक थोड़ी सी शिफ्टेड थोड़ी सी लेफ्ट साइड में और एक थोड़ी सी राइट साइड में। तो जब आपकी आईज उसे देखती है और आपका ब्रेन उसे एक तरह से वो उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जो हम 3D को रियल वर्ल्ड में देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ और टॉपिक्स पे जो हमें बताते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 3D को कैसे परसीव करता है अपने रियल वर्ल्ड लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। टू आईज प्रोवाइड स्लाइटली सेपरेट इमेजेस, क्लोजर ऑब्जेक्ट्स अपीयर मोर सेपरेट देन द डिस्टेंस। जब आप देखेंगे कि एक कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट है
वो आपकी आइस डिटरमाइन ही कर पाएगी कि वो एक 2D ऑब्जेक्ट है या 3D ऑब्जेक्ट है। बेसिकली हमारे 3D वर्ल्ड में सब ऑब्जेक्ट एक 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन कभी कभी इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि जो दूर ऑब्जेक्ट है वो एक 2D ऑब्जेक्ट है या 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन जो पास ऑब्जेक्ट है, दोनों आईज एक प्रॉपर डाटा दे पाती है, प्रॉपर इमेज दे पाती है आपके ब्रेन को कि एक आईज से आपको थोड़ी सी सेपरेट इमेज मिल रही है और जो दूसरी आई है उससे थोड़ी सी सेपरेट इमेज मिल रही है, और ब्रेन उन दोनों को मर्ज करके एक प्रॉपर डाटा क्रिएट कर पा रहा है कि एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अकोमोडेशन पे। एज यू फोकस ऑन क्लोजर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, द लेंस इन योर आई फिजिकली चेंज शेप, प्रोवाइडिंग अ क्लू एज टू हाउ फार अवे द ऑब्जेक्ट इज। जब आप देखा होगा YouTube वीडियोस में भी, और वैसे भी चैट कैट्स की आप देख सकते हो, या और ह्यूमंस में भी देख सकते हो, आप अपनी आईज को देख सकते हो कि जब आप एक फोकस करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो आपकी आईज बार बार शेप अपनी शेप को चेंज करती है, आपका जो ब्लैक स्पॉट है वो चेंज शेप करता है। उससे क्या होता है कि जो आपके पास का ऑब्जेक्ट है प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू उस पे ही रहता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है या कोई और ऑब्जेक्ट है उस पे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप जो दूर ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर डाटा नहीं ले पाते, लेकिन जो आप ऑब्जेक्ट पास में देख रहे हो उसका एक प्रॉपर डाटा आपके ब्रेन में फीड हो जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे बेसिकली ब्लेंडर में भी एज फॉर फोकसिंग, ठीक है। फिर आ जाते हैं पैरेलेक्स। एज योर हैंड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड, क्लोजर ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव फास्टर देन द डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं जब आप ट्रेन से जा रहे होते हो, ट्रेन ट्रेवल करते हो, तो उसमें आप देखोगे जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से धीरे धीरे जाते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही तेज जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो पैरेलेक्स इफेक्ट है, ये माइंड को एक सिग्नल देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूर है और कौन सा ऑब्जेक्ट पास है, ठीक है। इससे यही चीज हम यूज करते हैं एज इल्यूजन क्रिएट करने में, ठीक है, ब्लेंडर के अंदर, क्योंकि हम छोटे ऑब्जेक्ट से भी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू कैमरा, ठीक है। फिर आ जाते हैं साइज फैमिलैरिटी। इफ यू नो द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू कैन टेल अप्रोक्सीमेट हाउ फार अवे और हाउ क्लोज इट इज बाय अज्यूमिंग फ्रॉम इट्स शेप। अब आप देखेंगे कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स आप देख पा रहे हो बेसिकली वो बड़े होंगे, ठीक है, जैसे माउंटेन्स होंगे या कोई भी चीज होगी। अगर छोटी ऑब्जेक्ट्स को आप इतना क्लियरली नहीं देख पाते अगर वो ऑब्जेक्ट दूर हो, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट पास होंगे, छोटे ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख, छोटे या बड़े कोई भी ऑब्जेक्ट हो आप उसे क्लियरली देख सकते हो अगर वो पास है, लेकिन जो दूर है सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। फिर एरियल पर्सपेक्टिव। एज बाय नेचर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर मोर फेड एंड मोर ब्लू मोस्टली, विच क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ फॉर द आईज। अब आप देखोगे कि जो ये फॉगी वेदर में या नॉर्मल वेदर में भी मोस्टली क्लियर में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप देखोगे जो दूर का एटमॉस्फेयर है या दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से फेड और थोड़े से ब्लूश टिंट में नजर आते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक्स, क्योंकि आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें पार्टिकल्स हैं और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्काई को, ठीक है, स्काई लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और वो थोड़े से ब्लूश नजर आते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम ब्लेंडर में भी यूज करते हैं, इसमें भी यही कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक्स वॉल्यूमेट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे 3D के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगा कि आपको ब्लेंडर यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक डेडिकेटेड GPU हो, आपके सिस्टम के अंदर एक डेडिकेटेड GPU हो। सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो लैपटॉप यूजर्स हैं, लैपटॉप यूजर्स में कुछ लैपटॉप यूजर्स में लैपटॉप्स में एक GPU होता है, और जिनमें नहीं होता बेसिकली वो लैपटॉप्स ग्राफिकल व्यू के लिए उसके CPU को यूज करते हैं, जिसे कहते हैं
इनबिल्ट ग्राफिक्स या एएमडी इनबिल्ट ग्राफिक्स, एएमडी में इनबिल्ट ग्राफिक्स आते हैं, या अगर आपका इंटेल है तो इंटेल में भी इनबिल्ट ग्राफिक्स मिलते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपके जो लैपटॉप है उसमें उसमें एक जीपीयू है, तो आप हो सके उसके जीपीयू ड्राइवर को अपडेट कर लीजिए, और अगर इंटेल इनबिल्ट ग्राफिक्स या एएमडी इनबिल्ट ग्राफिक्स हैं तो उसके ग्राफिकल ड्राइवर को भी अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरा आता है जो जो पीसी यूजर्स हैं, पीसी के अंदर आपको एक जीपीयू लेना जरूरी है अपने सिस्टम के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सीपीयू पे वर्क नहीं करता ब्लेंडर इन पीसी, ठीक है। तो आपको एक जीपीयू लेना पड़ेगा, और जीपीयू कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं और आपके पॉकेट के हिसाब से कौन सा सही बैठता है, ठीक है। लेकिन एक डेडिकेटेड जीपीयू होना जरूरी है, हो सके एक डिसेंट जीपीयू से स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जब आप थोड़े से प्रोफेशनल होते चले जाएंगे तो आप उसे सेल करके एक अच्छा जीपीयू ले लें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ब्लेंडर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना होगा कि ब्लेंडर की साइट पे जाना होगा जो है www.blender.org, ठीक है। फिर आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड ब्लेंडर 2.90 पर। बेसिकली मैंने ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं दोबारा एक बार आपको शो करने के लिए दिखा सकता हूँ। कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने में। तो ये हमारा ब्लेंडर, तो आप जब क्लिक करेंगे MSI फाइल पे ब्लेंडर की, तो आप नेक्स्ट करना, और मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी ब्लेंडर इंस्टॉल्ड है। अगर आप जब नए ब्लेंडर को इंस्टॉल करोगे न्यूली, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एग्री करने के लिए आपको क्लिक करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और थोड़ी देर में आपका ब्लेंडर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये है ब्लेंडर की ऑफिशियल साइट, और आप इस पे देख सकते हैं कि ब्लेंडर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि रेंडरिंग, मॉडलिंग, स्कल्पिंग, एनिमेशन एंड रिगिंग, ग्रीस पेंसिल। इन्होंने नया जो 2.8 वर्जन है ग्रीस पेंसिल के ऊपर इन्होंने काफी वर्क किया है। फिर आते हैं VFX, और फिर आ जाते हैं सिमुलेशंस, जो फिजिक्स सिमुलेशंस हैं, बेसिकली जीपीयू के ऊपर डिटरमाइन, जीपीयू और सीपीयू के ऊपर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पाइपलाइन, पाइपलाइन क्या होती है कि जो आपके प्रोडक्शन है, जो आप कोई भी चीज बना रहे हो उसकी एक पाथ है, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और कहाँ पे एंड कर रहे हो, ठीक है, तो वो पाइपलाइन कहते हैं उसे। इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बेसिकली कोर्स को एंड पे ले आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या है कि पाइथन बेस्ड सॉफ्टवेयर हमारा जो ब्लेंडर है, ठीक है, तो उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको पाइथन आती है तो आप अपने हिसाब से भी उसमें आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। फिर आते हैं इंटरफेस, इंटरफेस जो आप यूआई यूज करोगे ब्लेंडर का, और काफी अट्रैक्टिव यूआई है, और आप उसे अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड मैंने आपको बता दिया। फिर आप सपोर्ट, अगर आप को सपोर्ट चाहिए थोड़े से ट्यूटोरियल्स पे भी देखने हैं आप स्टार्टिंग में, वैसे तो हम सब कवर करेंगे, लेकिन ब्लेंडर ने भी अपने ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे हुए। कम्युनिटी सपोर्ट है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है ब्लेंडर का, प्रोफेशनल सपोर्ट, अगर आपको कोई बग मिलता है ब्लेंडर के अंदर तो आप उसे बग को रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डेमो फाइल्स के लिए हमारे पास ब्लेंडर ने काफी डेमो फाइल्स दी हुई है आप, ठीक है, तो हमारे पास काफी डेमो फाइल्स है, हर वर्जन के साथ एक डेमो फाइल मिलती है। आप आ जाते हैं गेट इन्वॉल्व में, ठीक है, डोनेशन एंड स्पॉन्सर्स, एजुकेशन, वेबसाइट, डॉक्यूमेंटेशन, डेवलपमेंट,
बेसिकली जो हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और आप जो इनकी बेसिकली इनकम है वो आपकी डोनेशन से आती है। तो आप अगर चाहते हो थोड़ा सा जब प्रोफेशनल वर्क करोगे और आप चाहते हो कि अपनी इनकम से आप थोड़ा सा डोनेट करना चाहते हो ब्लेंडर को, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको ब्लेंडर के बारे में और जानना है तो आप अबाउट पर क्लिक करके ब्लेंडर की बाकी कंटेंट्स के बारे में भी जान सकते हैं। जॉब्स इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अगर उस पे क्या है कि आप अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं और जो ब्लेंडर की टीम है वो आपको सिलेक्ट कर सकती है एज फॉर ब्लेंडर। ठीक है, फिर स्टोर में आपके पास शायद 3D मॉडल्स परचेज करने हैं, ये इन्होंने नया फीचर्स दिया है शायद। ठीक है, और इनके खुद के मर्च भी हैं तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि ब्लेंडर का जो इंटरफेस है, ब्लेंडर में क्या इनिशियल सेटिंग्स करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो ब्लेंडर में इनिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक ये नया इनिशिएटिव है, मैं ब्लेंडर को एक लेवल पे लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखोगे कि जो मोस्टली इंडिया में वर्क करते हैं वो बेसिकली माया पे वर्क करते हैं, लेकिन माया का लेवल एज अकॉर्डिंग टू ब्लेंडर काफी लो है, क्योंकि इंटरफेस वगैरह में भी ब्लेंडर थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और वर्क करने में भी फन आता है। तो मैं चाहता हूं कि ब्लेंडर को हम इस लेवल पे लाए कि प्रोफेशनल वर्क्स के लिए हम यूज कर सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, और प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।